जदयू के जिला मुखिया जी को माला से स्वागत है। हम विधायक प्रतिनिधि अब नीरज बाबू से आग्रह है कि हमारे चंद्रायन पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं ओम प्रकाश राव को माल्यार्पण कर। देखियो ना हाथ अब मैं नवीन निशांत जी को मेरा जी से आग्रह करूँगा कि नवीन निशांत जी को भी आग्रह करूँगा कि नवहत्ता प्रखंड के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष श्री झा जी से मेरा जी इनको भी माल्यार्पण करूँगा। श्री चाय का बोला ना से श्री चाय का नहीं सी चल गए हाँ चल गए। अच्छा कोई बात नहीं, चल मजा ले चल विद्यार्थियों सबको सबसे प्रथम आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगर आप नहीं होते तो इस लायक आज नहीं होते, आपकी कृपा से हम इस लायक बने हैं, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। कह गई बात हमारे सारे साथी ने बहुत सारी बात बोले हैं। मेरे सर्वप्रथम मैं अपने जिलाध्यक्ष संजय मुखिया जी का हम आपके इस प्रांगण में उनका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस्ताक जी का, अभिनंदन करते हैं महतो जी का, मुन्ना जी का, मनोज जी का, नवीन निशान जी का, इस्ताक साहब का, अब्दुल तलहा जी का, श्रीकांत झा जी का, बहुत हमारे साथी हैं, संदीप जी का, हमारे मोहन भाई हैं, बहुत सारे साथी हैं, हम सब का अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत भी करते हैं। भाइयों बहनों, हमको आप लोगों ने सुना है अपने काम के लिए कि आपकी जो समस्या है, जो सरकार के द्वारा समाधान होना है, कुछ और हम आगे बढ़कर के अपनी समस्या को उठावें, आपका समाधान करें और आपको आपकी समस्या का समाधान करेंगे तब आपको राहत मिलेगी। हम तो इसीलिए आप चुने हैं। सर्वप्रथम तो आप लोगों से एक निवेदन करने आए हैं, अभी अभी वर्तमान में आप लोग उस टोला मोहल्ला को आप चिन्हित करके हमको तो को सही चीज आप नहीं दे पाते हैं, उसका सही जो उसका जो निर्णय आपको चाहिए आप नहीं दे पाते हैं और फिर रुपयों को 3,000-4,000 महीना आप जमा करके आप जो पैसा उठा करके खा जाते हैं। आप भी बंद करिए, हमारे बच्चों को जो सुविधा मिला सरकार से उसको सबको एक एक व्यक्ति व्यक्ति को देना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी हम छोड़ने वाले नहीं है। और खास करके जो पुल पुलिया जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं इस बरसात में बाढ़ से, उसको पुनर्स्थापित करने का या पुनः उसका निर्माण करने का या उसको रिपेयर करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे कि बरसात के बाद हर रोड कम से कम चालू हो जाए,
चलने योग्य बन जाए ताकि लोग चल सकें, ये हम प्रयास करने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई समस्या हो, चाहे वो कृषि अनुदान का समस्या हो या आंगनबाड़ी की समस्या हो, आधार कार्ड और राशन कार्ड की समस्या हो, मैंने जो कोई समस्या हो, हमारे प्रतिनिधि यहाँ है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत झा जी हैं, हमारे प्रतिनिधि यहाँ तक ये मैसेज नाटा का अब्दुल चल्हा जी हैं, आप इन उनके पास समस्या रख सकते हैं। अगर इनकी समस्या नहीं जो नहीं हो, दिक्कत हो, आप मेरा मोबाइल नंबर रखिए, फिर हम आप टेलीफोन करिए, आपको समस्या को हम सुनने का प्रयास करेंगे। और कहीं कोई हम इंटर हम अभी मीटिंग नहीं किए हैं, अब क्योंकि इलेक्शन आपका शुरू हो गया पंचायत वाली, वो लोग कहता है अभी सूचना जारी हो गई, हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, दिक्कत हो रही है। हम आपके वीडियो को, सीओ को, बीओ को, सीडीपीओ को, जितने पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर के, सबका मैं बैठक करूंगा, प्रमुख साथियों को बुलाऊंगा, सबको कहेंगे हमारी जनता के साथ न्याय करो, नहीं तो मैं भी तेरे साथ न्याय नहीं करूंगा। हम स्पष्ट करने वाले हैं। और रह गई बात हॉस्पिटल की, तो अब तो अभी तक तो आपका हॉस्पिटल तो बना दिया गया, एक चपरासी का पोस्ट भी आपके पास क्रिएशन में नहीं है, एक चपरासी का पोस्ट नहीं है, तो हॉस्पिटल बनाए क्यों? क्योंकि सब स्वर्गीय है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, कभी कभी दर्द होता है, और जनता को हम ठीक से पहचानते हैं, हम जनता मानते हैं कि हम आपको नहीं पहचानते, आप पहचानते। आज मैं हूँ तो नहीं बोलो, जिसके मुंह में बोल नहीं है, जिसके आंख में नूर नहीं है, जिसको अपनी कोई सामाजिक सम्राट मान सामाजिक आदि पता नहीं है, ऐसे लोगों के वोट कार्ड नहीं मिले, जो बहुत दिखावे वाले लोग हैं उससे उसके कृपा के बाद मेरे नहीं है, वो जिनको कोई बोल नहीं है, जिनके मुंह में बोल नहीं है, आंख में नोर नहीं है, और जो समाज में बिल्कुल उपेक्षित है, ऐसे लोगों के पास आज मैं विधायक हूँ। ऐसे लोगों को उपेक्षित करने का प्रयास नहीं करे, उसको बकसने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम अपने समाज से जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, हमारे सारे सब भ्रांत लोग भी बैठे हुए, मेरा सबसे करवट प्रार्थना, हम निवेदन करते हैं कि सम्मान पहले लीजिए आप, लेकिन सम्मान उसके बाद हमको आप दीजिए, पहले आप हमसे सम्मान लीजिए, लेकिन हमको भी सम्मान दीजिए, हमको अपमान मत दीजिए। अब समय बदल गया, युग बदल रहा है, हम सब में परिवर्तन हो रहा है, हर गांव हर कस्बे में परिवर्तन हुआ है, तो हमारे समाज में परिवर्तन हो और सभी लोग सम्मान के योग बने, सब सम्मानित हो, इसलिए मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के आगे हम बढ़ने वाले हैं। भाई और बहनों, अब बहुत कुछ नहीं कहेंगे, रात अधिक हो गई है, एक ही बात कहेंगे कि विकास के लिए हमको जहां जो करना पड़ेगा हम सोचेंगे नहीं, और समाज कैसे हमारा प्रगति पथ पर चले उसको हम बढ़ते चलेंगे। आप लोग को सहयोग कीजिएगा, बिना आपके सहयोग से हम समाधान नहीं कर पाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी आपके सहयोग मांगे, जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं पुनर्वास से सारी मतदाताओं को जनताओं को मैं पुनः प्रणाम करके उनका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दी। कौन सा कर अभी बुला रहे? हाँ 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 दोस्तों, अरे भाई बोला ना, हो रुक रुक आराम से आराम से, तू रुक ना आराम से रुक, होते भीड़ मार मिले तू रुक रुक आराम से रुक। रुक तो आराम से देवी, बचाओ नीरज साबिर है, टूल लगा टूल लगा छिड़िया के लगा समझा सब एक मिनट दुकान है आराम से जाना आप है आगे।
हबीबुल्ला नहीं भले अभी तक अच्छा अभी बोल अपने रुक जाने वाला बढ़िया रुक रुक अजय लो 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 बढ़िया एक ना ले दो रुक लिए हो गया चल अब ले एक ले पूरा हो ना ये विधायक जी खोल देखिए